बच्चों के लिए पांच आसन बता रहा था और आप बहने भी करना। हमारे आचार्य कुलम में बेटियां रहती हैं, सब बेटियां करती हैं। हमारे गुरुकुलम में बड़ी बेटियां रहती हैं, सब करती हैं। 25 दिन सभी को कराते हैं 12 साल की उम्र के बाद। 12 साल की उम्र से पहले हर दिन 365 दिन कराते हैं। छोटी छोटी समस्याएं तब आती हैं जब हमारा बॉडी का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो जीवन चक्र, सृष्टि चक्र, काल चक्र गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये योग करने से आपका जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का जो साइकिल है बॉडी में, वो इतना ऑर्डर में रहेगा। बीमारियों को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। बहनों को लगभग 26 से 28 दिन में पीरियड होना चाहिए। वो चक्र टूटता है तो गड़बड़ होती है। वो चक्र यदि सुरक्षित रहे तो किसी को ये जो आजकल फैमिली प्लानिंग के लिए क्या क्या करती हैं और उससे माताओं बहनों को कितना कष्ट होता है, कुछ तो गोलियां खाती हैं। गोलियां खा के 99% लेडीज को दुष्प्रभाव होता है शरीर पर। जिसका ये काल चक्र ठीक चलेगा, 18 दिन के बाद में संतान होती नहीं, बात खत्म हो गई। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा समझ और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, आपको कोई फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं। एकदम मैं फैक्ट्स के ऊपर आधारित बात कर रहा हूं। ऐसे 16 बोलते हैं, सेफ साइड में 18 दिन मैंने बोला। तो संतान उत्पत्ति के लिए 16 दिन तक, और 16 दिन के बाद में जो है कोई शरीर के ऊपर, शरीर में कोई शिशु आ ही नहीं सकता यदि आपका काल चक्र ठीक है तो। तो शरीर विज्ञान को थोड़ा समझे, अपने बच्चों को समझाएं, जो बॉडी में हार्मोन्स के चेंज होते हैं, जो शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, केमिकल, सोस हार्मोन्स के जो शारीरिक भावनात्मक जो परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बच्चों से बात करें। मैं तो कहता हूं माँ को शरीर विज्ञान का सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल ये सेक्स एजुकेशन के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, फिर बच्चे उल्टी सीधी बातें पढ़ते हैं, फिर पूरा उनके भीतर एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। यदि पॉजिटिव वे में माँ यदि गुरु बनकर के अपने बच्चों को नहीं सिखाएगी तो फिर उल्टी सीधी बातें सीखेंगे। पांचवा अभ्यास बता रहा था, श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुके। ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी अच्छा है। छोटे बेटियों को करवाना, छोटे बच्चों को, बेटा बेटी दोनों को करवाना। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते हैं, थोड़ा कठिन होता है बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में तो बच्चे एकदम झुक जाते हैं। ऐसे ये पांच आसन सब बच्चों को आपको करवाने हैं। देखो ये पांच आसन करने से, और आप लोग भी शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन तो कर सकते हो, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम हो रखी है, जो सर्वांगासन करेंगे उन महिलाओं को वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जो महिलाएं सर्वांगासन करेंगी उनको पीरियड की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके बाल नहीं झड़ेंगे। या महिलाएं 50 तरह के शैंपू प्रयोग कर करके सारे आधे बाल तो सबके झड़े पड़े और बाल लंबे नहीं होते। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, देखो ये ओरिजिनल है, वो आजकल क्या विग लगाया हुआ नहीं है, हा? ये एकदम ओरिजिनल बाल है। और ये तो मैं इनको अच्छे से संभाल के नहीं रखता, बहुत जोर जोर से इसको कंघा कुंघा करता हूं ना तो टूटते रहते हैं। और बात सॉफ्ट भी है, कभी कोई नहीं लगाता हो क्या कंडीशनर। कुछ बातों को ध्यान में रखो, ये प्रॉब्लम आती क्यों है। आप लोगों के लिए अभी पेट मोटा होना, किसी भी लेडी को पेट मोटा होना अच्छा नहीं लगता है। शादी से पहले तो अच्छा लगता ही नहीं है, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है।
पेट बढ़ के बाद में सिकुड़ने में फिर थोड़ी लाइनिंग आदि हो जाती है, फिर उसके लिए भी कितने तरह के उपचार करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पेट में हो तो भी अनुलोम विलोम माताओं को करना चाहिए, बेटियों को करना चाहिए। अगली बात, उसके बाद देखो ये माताओं बहनों का, ये पेट को कम करने के लिए एक तो ये अभ्यास, कितनी बार ऐसे 4-5 मिनट कर लो ऐसे, इससे पूरे माताएं बहनें पहले चक्की चलाती थी, किसी को पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम देखते थे हमारी माँ जो है वो 5-10 किलो आटा सुबह सुबह पीस दिया करती, बस लगी हुई चक्की ऐसे ऐसे करने में, वो बड़ी बड़ी चक्की होती थी, वो पूरी बैठ के जब ऐसे ऐसे वो घूमती थी बड़ी बड़ी, जैसे जिसकी ताकत होती थी ऐसे अलग अलग साइज की चक्की आती थी, वो उनका पेट कभी मोटा हो ही नहीं सकता था। आजकल ऊपर वाली चक्की चलती रहती है ये, तो इधर ये ऐसे, एक तो ये, फिर ये देखो इसमें कितना, देखो आप इधर देखना मेरे पेट को कितना बल पड़ता है, ऐसे है अरे पूरा पेट। अब इसको 25-50 बार कर लिया तो पूरा एक पेट ना निचोड़ जाएगा, पूरा घट जाएगा। फिर पेट को कम करने के लिए 3 अभ्यास से लेट के बताते हैं महिलाओं का। एक तो पेट मोटा हो जाता है और किसी किसी के तो ये इधर बहुत मोटे हो जाते हैं, फिर बहुत खराब लगता है, ड्रेस भी सेट नहीं बैठती। देखो ये इसको कम करने का क्या उपाय है, एक तो हो सके तो अश्वगंधा के पत्ते ले लेना, 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम अश्वगंधा। पहले तो मैंने इसका खूब प्रचार किया तो करोड़ों पौधे लोगों ने बांटे, लगाए, खाए, बहुत फायदा होता है अश्वगंधा के पत्ते। दूसरे सहज उपाय हैं, सुबह उठ के गर्म पानी में गोमूत्र डालो, शहद डालो, नींबू डालो, अदरक डालो, ये पियो। गोमूत्र सबसे अच्छा है वेट कम करने के लिए। फिर त्रिफला, रात को त्रिफला भिगो दो पानी में और सुबह उसको उबाल करके पी लो, त्रिफला से बहुत जल्दी वेट कम होता है। फिर मेदो हरबटी से वेट कम होता है। गोमूत्र, त्रिफला, मेदो हरबटी, गर्म पानी में शहद, नींबू आदि, और अनाज बंद कर दो। फिर देखो अनाज बंद कर दो, शाक सब्जियां खाओ, एकदम हल्की रहोगी, सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। गोमूत्र से भी 5-10 किलो वेट कम हो जाता है बिना योग किए। योग करोगी तो 10-15 किलो कम हो जाएगा, 20 किलो तक कम कर सकती है। और योग से जो वेट कम होगा ना, तो एक तो लाइनिंग नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, एनर्जी का लेवल कम नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएंगी, चक्कर नहीं आएंगे। तो देखो जो माँ बहन बेटियां 100 साल तक जवान रहना चाहती हैं, बुढ़ी नहीं होना चाहती, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी ना हो तो दोनों पैरों से करना, और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, बैकएक और वीकनेस है तो एक एक पैर से करना। ये तो इससे ये खुले भी कम होंगे, पेट कम होता है इससे, एकदम पेट के ऊपर बहुत ये, इससे ऐसे एक एक अभ्यास को 25-50 बार तक कर सकते हैं। ये जंघाओं को कम करने के लिए ये अभ्यास है, ऐसे इसको गोल घुमाओ, नहीं तो यहाँ फैट डिपॉजिट होने लगता है। याद रखना जहां श्रम नहीं होगा वहीं एक्सेस फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और पहले तो मोटा पाएगा और बाद में वहां पर गांठें हो जाती है, पहले बिना कैंसर वाली गांठ, उनको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, बाद में वही मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाते हैं, कैंसर वाली गांठ, यहां पर गांठें हो जाती है, पेट में गांठें, आंतों में, लीवर में, यूट्रस में, ओवरी में और ब्रेस्ट में, ये लेडीज को कॉमन हो गया आजकल कैंसर। ऐसे एक गोल घुमाना, आपकी जंघाएं और आपके कुल्ले, थाई, बटक्स, हिप्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, गोल ऐसे घुमाते हैं, ऐसे दूसरे पैर से भी ऐसे, ऐसे पूरा गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे दूसरी तरफ से भी पूरा ऐसे, ये
दोनों पैरों से एक साथ घुमाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो तो जब शरीर हल्का होगा तो ही घुमा पाएंगे, नहीं तो दोनों पैर ऐसे उठा नहीं पाएंगे। लेकिन जो जवान आजकल लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, 12 15 20 साल की लड़कियां, वही 70 80 80 किलो की होगी, बर्गर पिज्जा कोको कोला पेप्सी जंक फूड खा खा करके, देखो ये ऐसे, ये तीसरा अभ्यास। इससे भी पेट का, थाई बटक शिप्स का बहुत जल्दी वेट कम होता है दोनों तरफ से ऐसे। इसको दोनों पैरों को मिला के यूं करते हैं तो देखो पूरा यूं मोड़ा, ऐसे पूरा मोड़ा, पूरा उठाया, पूरे सीधा किया ऐसे, ये एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही ऊपर उठाया, फिर मोड़ा, फिर ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स। और शरीर थोड़ा कमजोर है तो ऐसे एक एक पैर से कर लो। इसको क्या करना होता है, कंटिन्यूटी में 25-50 बार करना होता है। फिर देखो किसी का पेट तो यहां से बढ़ता है, ये यहां ऐसे निकला होता है, छाती से बाहर पेट ऐसे निकला रहता है, किसी का नाभि के ऊपर बढ़ता है और किसी का नाभि के नीचे, नाभि के नीचे वाला बढ़ता है तो शर्म भी आती है, वो आधा एक एक फीट नीचे लटक जाता है। तो जेंट्स तो वो फिर ऐसी पैंट पहनते हैं, वो यहां यहां वो डाल लेते हैं डोर सी, वो पूरी वो नीचे लटकता है, उसको खींचने के लिए करना पड़ता है कार्यक्रम। और महिलाएं बेल्ट बांधने लगती हैं फिर, लेकिन चलो ये तो अब साड़ी पहने तो बेल्ट कहां से बांधे फिर तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं, परेशान रहती हो, यहां से पेट बढ़ गया, यहां से बढ़ गया, एक तो कपाल भाती तो कम करेगा, मैं आपको मजाक नहीं बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिनके ये अशोका लीलैंड आदि ट्रक भी आते हैं, हिंदुजा फैमिली है, अशोक उनका यहां रहता है, बाकी गोपीचंद बाहर रहता है, श्रीजी बाहर रहते हैं। तो गोपीचंद मेरे से बोला, उनका भाई, लंदन के उनके घर पे मैं कई बार गया हूँ, बोले बाबा जी कपाल भाती करने से मेरा नीचे वाला पेट तो कम हो गया, ऊपर वाला नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे, तो उसने कपाल भाती करके दिखाया, देखो ये नीचे वाली कपाल भाती। अब देखो कपाल भाती भी कैसे करते, फिर एक बोला बाबा जी मेरा ऊपर वाला तो कम हो गया, नीचे वाला कम हुआ, वो बीच वाली कपाल भाती, ये ऊपर वाली कपाल भाती। कैसे कैसे लोग डिजाइन कर लेते हैं। एक बोले बाबा जी मेरा तो कपाल भाती करके गला ही बैठ गया, वो गले वाली कपाल भाती कर रहा था। समझ में आई, गले वाली कपाल भाती, ऊपर वाली कपाल भाती, नीचे वाली कपाल भाती, अरे ठीक कर लेना भाई, देखो पूरी अब समझ में आई बात। एक तो कपाल भाती, दूसरा नाभि के ऊपर वाला पेट बढ़ा हुआ है, पेट एकदम फ्लैट होना चाहिए। आइडियल पेट कैसा होता है, उभरा हुआ सीना। जिन बेटियों का सीना उभरता नहीं है उनको भी फिर आत्मग्लानी होती है, हीन भावना आती है, कि एक स्त्री के शरीर के आदर्श जो संरचना है, बॉडी की जो शेप है, वो जब पूरी नहीं आती है तो उसको थोड़ा आत्मग्लानी होती है। जिनका सीना उभरा हुआ नहीं होता, भस्त्रिका अनुलोम विलोम करवाओ, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करने से बेटियों की ब्रेस्ट एकदम परफेक्ट शेप में आ जाती है। और मुझे ये बेटियों ने बताया, और मुझे क्या पता, मेरा तो शरीर स्त्री का नहीं है, मुझे बेटियों ने बताया कि बाबा जी हमारा 30 साल तक 35 साल तक भी हमारे बॉडी शेप में नहीं थी, जब से हमने प्राणायाम किया, जो 30-35 साल तक बॉडी की शेप नहीं आई, योग से आ गई। इसलिए मैं कहता हूँ योग से नया जीवन मिलता है, दिव्य जीवन मिलता है, पूरी परफेक्ट शेप एकदम, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। जवान लड़कियां तो ऐसे तेजी से भी कर सकते, ब्रेस्ट शेप में आ जाएगी। फिर भी ना हो तो शतावर चूर्ण खिला देना बेटियों को, ये तो
किस किस शेप के लिए बताया। अब ये जो पेट का ये वाला हिस्सा बढ़ता है इसके लिए भुजंगासन। देखो, नाभि के ऊपर पेट बढ़ा हुआ, इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, ये धीरे धीरे, पहले तो धीरे करेंगे ऐसे, और ऐसे 25-50 बार कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 25-50 बार। देखो ऐसे ऐसे, ऐसे मैं तो 100 बार कर लूंगा। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे करोगी ना तो पेट एकदम क्या हो जाएगा, फ्लैट, और वहां से मोटा मोटा नहीं दिखेगा। ये ऊपर वाले के लिए। अब नीचे जो नाभि के नीचे फैट बढ़ जाता है उसके लिए ये वाला, ऐसे एक एक पैर को उठा ना ऐसे, फिर दोनों से भी उठा सकते हैं। ये जा देखो, ऐसे दोनों से उठाने में थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है। ये किसके लिए बोला? पेट को कम करने के लिए। फिर बैठ के तो बताया था पेट के लिए भी, और हाथ तो, किसी के तो हाथ भी ऐसे लटकते हैं, ऐसे इतना लटक जाता है ऐसे। तो ये वाला करने से ना ये पेट के लिए भी और हाथ के लिए भी अच्छा है। ये भी, फिर पेट भी, पेट भी, फिर ये बताया था, ये भी। फिर खड़े होकर के बता रहा हूं आपको मैं, इसका कपाल भाति करने से तो पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो जाती है। सभी केमिकल्स, सोस, हार्मोन्स, 3-3-T4-TSH, थायराइड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, पूरा परफेक्ट होता है कपाल भाती से। बाकी अब जैसे इधर वेट ज्यादा बढ़ा हुआ, इधर किसी किसी को तो इधर एक मसंड पड़े रहते, इधर ऐसे दो दो ऊपर नीचे सलवट पड़े रहते। ये इधर की सलवटें, ये कमर एकदम खिंची कसी भी रहनी चाहिए, है ना? इसके लिए ऐसे। ये कितनी बार करना? 25-50 बार। पहले थोड़ा थोड़ा होगा इतना ही, फिर पूरा ऐसे ऐसे, ऊपर वाली हथेली नीचे ऐसे। ये पूरी खिंचती ऐसे, ये फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए जो ट्रेनर्स होते हैं ना, एक एक महीने के कई कई लाख रुपए लेते हैं। तुमको बाबा मुफ्त में सिखा रहा ऐसे। ये साइड में, ये साइड का कम हो जाएगा, फिर यहां और यहां का थोड़ा फैट कम करने के लिए, यहां का और यहां का, इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो ये यहां का और यहां का। फिर किसी का तो गला भी इतना भारी होता, गर्दन भी नहीं मिटती ऐसे, यहां से लेकर के और यहां 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 पूरे शरीर में मोटापा।
फिर पीछे से भी यहां से लेकर के यहां तक पूरा मोटापा, तो आगे पीछे के लिए बता। थोड़ी गर्मी थी ना, इसलिए मैंने ज्यादा आपको नहीं हिलाया। बहुत देर होगी बैठे बैठे, खड़े रहो, खड़े हो साहब। बोले भारत माता की। अब इतनी अच्छी हवा चल पड़ी, सूरज भी ढल गया, अब तो मुस्कुराओ। देखो आपको आगे पीछे का वेट घटाने के लिए ये आसन बता दिया, पाद हस्तासन, क्या बोलते हैं इसको। इसे आगे का पीछे का पूरा बॉडी का ना एकदम शेप परफेक्ट हो जाएगा ऐसे। आप सीधे आगे झुको, आप आगे झुकते समय माथा घुटनों से लगाओ। ये तो झुक गई। चलो भाई वापस आ जाओ, ये तो नंबर ले गई। भावना भी और बबीता भी दोनों ही परफेक्ट शेप है इनका, बॉडी ऐसे ही शेप रहना चाहिए। देखो अपने को मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे भी मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडल से अपना मॉडल अच्छा होना चाहिए, समझी। अपने को मॉडलिंग नहीं करनी लेकिन अपना मॉडल खराब नहीं करना, ठीक है। तो साइड के लिए ये बताया था, करके देखो आपको अभी पता लगेगा। हाँ पूरा नीचे तक आओ, ये वाला हाथ यहां तक ऐसे, ये तो बहुत अच्छा कर रही है दोनों ही ऐसे। करो करो ऐसे, पता लग रहा है ना साइड में कुछ कुछ होता है ऐसे। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, आपको अभी मैंने बताया मोटापा के लिए, ये मोटापा से लेडी जितनी परेशान रहती हैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, कुछ तो फिर इतना उपवास करती है फिर चक्कर आने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं। खाने पीने पर कंट्रोल तो रहना चाहिए। अब अगली बात, ये तो जो आपको मैंने बताया इसके 2-3 राउंड कर लेना, और खाने में अनाज कम कर देना, शाक सब्जियां फल खाओ, खीरा कितना ही खाओ, 5 किलो खीरा खा जाओ 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा। खीरा कितना ही खाओ, टमाटर कितने ही खाओ और गाजर कितनी खाओ कोई दिक्कत नहीं, हरी सब्जियां कितनी खाओ पेट भर के खा लो। कुछ कहते खाली पेट फिर भूख बहुत लगती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है। हरी सब्जियां खूब खाओ, गाजर टमाटर मूली खीरा जितने भी सलाद में हरी पत्तियां हरी सब्जियां खूब खाओ, फल खाओ पपीता खूब खाओ, पपीते में कोई दिक्कत नहीं होगी। पपीता खाओ, दाड़म खाओ, सेब खाओ कोई दिक्कत नहीं, केला भी 2 खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इतना तो बता दिया, कितने फल खा लो, फिर खरबूजा तरबूजा खूब खाओ, पेट भर के खाओ, 5-5 किलो खाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन रोटी बन, चपाती नहीं, राइस नहीं, पल्सेस भी कम खाओ, पतली, ठीक है। तो सब माँ बहन बेटियां एकदम स्लिम स्मार्ट हो जाएंगी, सब मॉडलिंग जैसी दही, सब मॉडल हो जाएंगे एकदम। देखो अगली बात, पूरे बॉडी का परफेक्ट शेप लाने के लिए, पूरे शरीर को स्ट्रेंथन बनाने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। अब ये तीनों ने, दो ने तो साड़ियां पहन रखी ने, सुधा ने और जो है बबीता ने, तो ए इधर आओ एमपी साहब, आजा आजा। हाँ ये तो अच्छा मौका है तेरे लिए, अब मुंबई में जाता हूँ तो शिल्पा शेट्टी मेरे साथ करती है ना सूर्य नमस्कार, देखा है ना तूने, तो यहाँ की तो तू ही शिल्पा शेट्टी, आ जा।
लंबा श्वास लो, हाथ पीछे ले जाओ ऐसे, फिर आगे झुको, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते हैं, फिर दाहिने पैर पर बैठते हैं, दाहिना राइट लेग के ऊपर, बाएं पीछे, ठीक ठीक ठीक, उसी को लेफ्ट को पीछे ले जाओ, राइट पर ऐसे बैठो, कमर नीचे झुकाओ, हो गया? आज जो थोड़ा टाइट वाली पैंट पहन के आ गई, बोले वो ये सलवार में अच्छा होता है, फिर ये पैर पीछे, ये भी अच्छा कर रहे हो, फिर झुक जाओ आगे, फिर उठो सामने से, कमर नीचे झुकाओ कमर, ये, फिर बीच से उठाओ, मैंने तो सोचा सब कर रहे हो, तो आपको देखने में लग गए, लेफ्ट आगे, फिर कमर नीचे, ऐसे, फिर ये राइट भी आगे, ऐसे झुकते अधिकतर, फिर हाथ पीछे धीरे धीरे, ये तो कर लो, और दोनों हाथ सामने, ऐसे, ठीक है, चलो, पास हो गया, ऐसे करना।